मालचा महल। कहते हैं सिर्फ इंसान ही घर को नहीं अपनाता, घर भी वहां रहने वालों को अक्सर अपना लेता है। पर जरा सोचिए कि एक घर और उसमें रहने वालों के बीच एक ऐसा अटूट बंधन बन जाए कि उनके बीच आने वाला जिंदा ही ना लौट पाए। तो एक अंधेरी रात में जहां बादलों की गर्जन से जमीन थर्रा उठी, एक पतला दुबला सा चोर दो पुलिस वालों से अपनी जान बचाने की खातिर किसी चूहे की तरह अपने दिल की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर जान लगाकर दौड़ने के बाद उसके सामने एक दीवार आ खड़ी जिसे उसने बिना सोचे समझे फांद दिया। दोनों पुलिस वाले उस दीवार को देखकर डर से ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे सांप नेवले को देखकर पड़ जाता है। दोनों पुलिस वाले उधर से उल्टा पैर हो गए। दीवार फांदने के बाद एक जंगल से कुछ दूर चलने के बाद वो चोर एक खंडहर में आ पहुंचा और अपनी पीठ पर रखे उस भारी बैग को उतारते हुए बोला, दिल्ली में चोरों का एक किच राजा, सलीम बाजा, सलीम बाजा। अरे ये मामा लोग अपन को कभी नहीं पकड़ पाया और कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। टिकटका टिकटका। सलीम अपने बचने का जश्न अभी मना ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे से एक औरत की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी गुस्ताख? एक रानी के महल में घुसपैठ करने की गलती को जानता है? अबे एड़ी, सामने आके बात करना, ये खंडर को महल बोल रही है तू? सही है बाबा, ये कौन सा नशा मारती है रे, अपने को भी चाहिए। मगरूर, तुझे हम वो मौत देंगे जिससे तेरी रूह कांप जाएगी। उस आवाज के इतना कहते ही दो जर्मन शेपर्ड्स ने उस चोर पर धावा बोला और उसके शरीर की आखिरी बोटी तक चबा। जिस जगह पर यह भयानक और बेदर्द हादसा हुआ वो एक समय दिल्ली का सबसे मशहूर स्मारक मालचा महल है। विशाल और खूबसूरती का प्रतीक माने जाने वाला ये महल आज काले अंधेरे और गहरे सन्नाटे से दोस्ती कर चुका है। 3 दिन बाद जूली रूस से भारत आई एक पर्यटक थी जो एग्जिट गेट पर अपनी टैक्सी के इंतजार में थी। एक पीली पगड़ी पहने उसका टूरिस्ट गाइड हाथ में गुलदस्ता लिए उसका स्वागत करते हुए बोला, मुझी गुड मॉर्निंग जूली मैडम, वेलकम टू इंडिया जी, मैं आपका ट्रेवल गाइड हरविंदर सोढ़ी। आपका सफर कैसा रहा? थैंक यू मिस्टर सोढ़ी, और मेरा सफर काफी अच्छा और कम्फर्टेबल रहा। सो आज हम क्या देखने वाला है? मुझे पहले तो मैं आपको होटल ड्रॉप करूंगा, फिर प्लान के अकॉर्डिंग दोपहर को कुतुब मीनार और शाम को इंडिया गेट। बहुत अच्छा, तो चलते हैं फिर। और जैसा कि उम्मीद थी, जूली ने अपने ट्रेवल गाइड के साथ पहले कुतुब मीनार के दर्शन किए और फिर शाम को इंडिया गेट का भ्रमण किया। कुछ देर घूमने और मोबाइल से तस्वीरें निकालने के बाद जब जूली और हरविंदर इंडिया गेट से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ आइसक्रीम खा रहे थे, तभी जूली ने उत्साह से पूछा, हरविंदर तुम हर टूरिस्ट को ऐसा ही घुमाता है, पर मैं कुछ अलग देखना और करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं कुछ समझा नहीं, अलग से आपका मतलब क्या है? मुझे कुछ हॉरर का एक्सपीरियंस करना है। हरविंदर, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी डरावनी जगह है जहाँ सचमुच किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया हो? ऐसी जगह तो है मैडम जी, पर मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि जो भी वहाँ पर गया वो जिंदा बच के नहीं आया मैडम जी। हरविंदर प्लीज, मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें इस काम की 3 गुना कीमत देने को तैयार हूँ, पर मैं आज रात ही वहाँ हर हाल में जाना चाहता हूँ। ठीक है मैडम जी, अब आप इतना जिद कर ही रही हैं, तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, बस आप एडवांस दे दीजिएगा। हाँ, जूली से नोटों का मोटा बंडल ले हरविंदर उसे अपनी मंजिल पर छोड़ा और साथ में उसे एक छोटा सा कैमरा भी दे दिया जिससे वो कुछ तस्वीरें ले सके। जूली अपनी गाइड की मदद से किसी तरह दीवार फांद जैसे ही अंदर पहुंची उसे अपने सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर काले अक्षरों में लिखा था, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, बीवेयर ऑफ हाउंड्स, इंट्रूडर्स विल बी गन डाउन, जिसका मतलब था यहाँ से आगे जाना मना है, शिकारी कुत्तों से सावधान और घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। जिसे पर जूली जोर से हंसते हुए बोली, मैं तो डर गई, सो क्लीशे, ऐसा वार्निंग से कौन डरता है। इतना कहते ही जूली वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जूली बेफिक्र होकर अपनी मंजिल की ओर कदम जरूर बढ़ा रही थी, मगर वो इस बात से बेखबर थी
कि एक औरत का काला साया उसके साथ चल रहा था। जूली को जब कुछ देर चलने के बाद इसका एहसास हुआ तो एक पल के लिए वो घबरा सी गई और उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी। फिर भी जूली ने जब अपनी फ्लैशलाइट जलाकर पीछे की ओर देखा, वहां बस एक छोटी सी गिलहरी थी जो अपने ऊपर फ्लैश पड़ते ही तेज रोशनी से डरकर भाग निकली। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद जूली अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उसकी नजरों के सामने आलचा महल का वो खंडहर था जो एक जमाने में एक राज परिवार की रानी साहिबा का बसेरा हुआ करता था। सफर की थकान ने जूली को इस कदर चूर कर दिया था कि चटाई बिछाकर लेटते ही उसकी आंख लग गई। जूली को नींद की आगोश में गए जरा सी देर गई थी कि अचानक उसकी नींद कुत्ते के भौंकने से टूट गई। जूली को ध्यान आया कि उसने बोर्ड पर आने से पहले पढ़ा था कि अंदर शिकारी कुत्तों से सावधान रहे। जूली ने हड़बड़ी में अपने आसपास जमीन पर पत्थर ढूंढने शुरू कर दिए ताकि वो खुद को बचा सके। पर इसे जूली की बुरी किस्मत मान या जल्दबाजी में की गई गलती, जूली के हाथ में आया तो किसी जानवर का मल जो अंधेरे में देखने पर किसी छोटे गोल पत्थर जैसा लग रहा था। जूली को अपना गोबर से सना हाथ देख घिन आने लगा कि तभी उसके कानों में पानी के छलकने की आवाज पड़ी। जूली बिना देर किए आवाज की दिशा में भागी और एक छोटे से तालाब में अपना हाथ घिस घिस कर धोने लगा। हाथ धुल जाने के बाद जूली ने जैसे ही रुमाल निकाल अपना हाथ पोंछने लगा, उसका सफेद रुमाल लाल सूख गया। जूली ने एक बार फिर से तालाब की ओर अपनी फ्लैशलाइट चलाई तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई आम तालाब नहीं बल्कि एक भूमि तालाब था जिसमें पक्षियों, बंदरों और कई इंसानों के शरीर के भाग तैर रहे थे। अंग्रेजी में बोर्ड पर लिखा था ना, इंट्रूडर्स विल बी गन डाउन, फिर भी इतनी हिम्मत हमारे आशाने में घुसी चली आई। ये आवाज जूली को खंडहर के अंदर से आई जिसे सुनकर वो सर से पैर तक थर थर आ गई। पर जूली ये भी जानती थी कि अक्सर ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस का डर बनाए रखने के लिए सरकार या संस्थाएं ऐसे इंतजाम करके रखती हैं। अपनी आवाज में जरा दम भर और अपने दिल में थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए जूली ने पूछा, मुझे पता है तुम असली घोस्ट नहीं हो, और अगर हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे जरा सा भी नहीं डरती। इस गहरे सन्नाटे के बीच काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब जूली को कोई जवाब नहीं मिला तो अपने घमंड की आड़ में उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बड़े आए मुझे डराने वाले, तुम जैसे सस्ते भूतों से तो मेरी छोटी उंगली भी नहीं डरती सूखा। जूली गुस्से में गाली बकने के बाद वापिस जाने को हुई ही थी पर इस कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। खंडहर के भीतर से एक पीली रोशनी जोर से चमकी और फिर एकदम से किसी बुझते दिए की तरह बंद हो गई। जूली इसे एक आम पैंतरा समझ उसका पर्दाफाश करने की कोशिश में रोशनी की दिशा में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी। वहां बेगम विलायत महल की सड़ चुकी लाश पड़ी हुई थी और उसके बराबर में फर्श पर किसी मर्द की लाश थी जिसे देखने से ये मालूम पड़ता था कि ये ज्यादा पुरानी नहीं है। जूली के दिल में डर ने अब सही मायने में पनपना शुरू कर दिया था। जूली का गला डर से सूख चुका था और वो मदद के लिए इधर उधर देख ही रही थी तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। जूली से उस चिट्ठी को देख रहा नहीं गया और कौतूहल में वो उसे पढ़ने लगी। मैं बेगम विलायत महल अपना आखिरी कत आपको यह होशियार करते हुए लिख रही हूँ कि मलचा माल हमारा है और हम इसे टूरिस्ट लोकेशन नहीं बनाने देंगे, और अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से यहाँ आने की कोशिश करी तो उसकी बोती बोती मैं अपने कुत्तों को खिला दूंगी। जूली के कांपते हाथों से जैसे ही रानी साहिबा का खत गिरा चारों तरफ शांति पसर गई। चमगादड़ और उल्लुओं का शोर भी अब सन्नाटे में विलीन हो चुका था। जूली को जैसे ही उम्मीद की किरण दिखी कि अचानक जंगली कुत्तों का किसी भेड़ियों की तरह घुर्राना शुरू हो गया। उनका घुर्राना मानो एक चेतावनी कि उनकी मालकिन के घर में घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं। जूली ने कुत्तों का भौंकना सुना, अब जंगल की तरफ बेसुध भागना शुरू कर दिया था ताकि वो उस दीवार को फांद वहां से बाहर निकल सके जहां से वो आई। एक घंटा दौड़ने के बाद भी जब जूली घूम कर उसी खंडहर में आ पहुंची तो जूली हताश हो रोने और हार मानकर अपने घुटनों पर बैठ गई।
बेगम विलायत महल की आत्मा उसके सामने आ उसे चुप कराते हुए बोली, कभी हमारे महल में भी तुम्हारे जैसे विदेशी आया करते थे, जिनका हम बेहतरीन मेहमान नवाजी और आदर सत्कार। हमसे गलती हो गया रानी साहब, आई बेग यू प्लीज हमें जाने दीजिए। जरूर जाने देते, पर तुम्हारी गलती की सजा अपने बच्चों को तो नहीं दे सकती ना, बेचारे कई दिनों से। बेगम महल के आखिरी शब्द सुन जूली के जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया और बेगम साहिबा के इशारा करते ही उनके तीन जर्मन शेफर्ड्स जूली पर ऐसे टूट पड़े जैसे मधुमक्खियां शहद पर। कुत्तों ने जूली के खूबसूरत शरीर से मांस नोच पीछे छोड़ा तो बस उसका बेजान कंकाल जो उस खंडहर से बाहर पड़ा सबके लिए एक धमकी या चेतावनी जैसा था कि बेगम विलायत महल के मालचा महल में जो भी घुसपैठिया चोर या साहसी रात गुजारेगा उसका यही अंजाम होगा।